हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो मैं फिर से एक नए वीडियो लेके आ गए हो और इस वीडियो में इसमें एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हो, तो वो भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। तो ये जो हाइबिस्कस का जो फ्लावर है से, तो इस फ्लावर से मैं आज ड्राइंग करने वाला हूँ, मतलब एक कलर करने वाला हूँ। तो देखने वाला हूँ कि इससे कितना अच्छा कलर होता है, हो पाता है या नहीं, आप लोगों को वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इससे कितना अच्छा होता है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को इस फ्लावर जो है, उस फ्लावर को पेज बनाना होगा। तो पेज बनाने के बाद उसके जो मतलब कलर निकलेगा, उस कलर से मैं करूँगा। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा कलर निकलता है, और इसके लिए तो मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पेस्ट करके। A few moments later. तो गाइस, मैं आ चुका हूँ इसका जो पेस्ट है वो बना के, और पेस्ट कुछ इसी तरह दिख रहा है। देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे, मतलब इसका पेस्ट करने के बाद ये जो है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उसमें से कलर निकलने के लिए मैंने एक काम किया है, एक कपड़ा ले लिया था और कपड़े से ऐसे ऐसे मैंने ऐसे करके, जैसा कि इसमें मैंने कलर लिया है, तो ऐसे मैंने निचोड़ के इसे कलर निकाला है। और कलर देखिए आप लोगों का, मतलब कैसे आया है कलर। तो कलर बहुत ही अच्छा ही आया है, बट वो जो कलर है वो उतना मतलब लाइट नहीं है, कुछ कैसा टाइप है, ब्रश में मतलब लग भी नहीं रहा है। तो कैसे करूँगा वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो कलर है वो ब्रश में नहीं लग रहा है, मतलब गिर रहा है ब्रश से। तो चलिए देखते हैं इसे कितना अच्छा कलर हो पाता है। तो और एक मज़े का बात है, हम लोग हिबिस्कस का जो कलर है उससे हम लोग हिबिस्कस ही कलर करेंगे, तो देखते हैं कैसा होता है। तो इसके लिए मैंने पहले पानी ले लिया था, और पानी से पहले इस पेज को, मतलब जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसमें थोड़ा पानी भिगा दिया था पेपर को, और उसके बाद वाटर कलर जैसा करते हैं बिल्कुल वैसे मैंने किया है। तो इस कलर देखिए वो स्प्रेड नहीं हो रहा ज़्यादा, और इतना अच्छा मतलब कलर जो है वो उतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग शेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इससे अच्छा शेडिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये एक शेड का कलर है। और इसका जो मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डीप नहीं होगा, पर फिर भी हम लोग करके देखते हैं कितना होता है। और आप लोग इस कलर के वक्त वाटर को कम यूज़ कीजिए, ताकि ये जो कलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देर ना लगे सूखने में, क्योंकि सूखने के बाद आप लोगों को सेकेंड लेयर देना होगा। तो इसीलिए लेयर बाय लेयर कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं सेकेंड लेयर दूंगा। तो इसके लिए हम लोगों को सूखना पड़ेगा, मतलब कुछ देर सुखाना पड़ेगा इसको। तो सूखने के बाद आप लोग फिर से सेकेंड लेयर दे सकते हैं। तो वैसे कीजिए आप लोग जैसे वाटर कलर करते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं, उससे अच्छा नॉलेज मिलता है। तो सेकेंड लेयर देने के बाद जब भी वो सूख जाएगा तब आप लोग थर्ड लेयर भी दे सकते हैं। और सेकेंड लेयर सूखने के बाद मैंने थर्ड लेयर देना शुरू कर दिया है इसमें, और थर्ड लेयर दे के मैं इसको फिनिशिंग भी करूँगा। तो थर्ड लेयर में आप लोग पानी कम यूज़ कीजिए, क्योंकि थर्ड लेयर जो फिनिशिंग होता है तो उसमें उतना पानी यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो अच्छा कलर निकल के आया है, आप लोग देख ही सकते हैं, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा जैसा हम लोग वाटर कलर और एक्रिलिक कलर करते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, और ये तो होममेड कलर है, तो देख ही सकते हैं कैसा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए एंड तक। मिलते हैं और एक नए वीडियो लेके, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाला है। तो अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं दो तीन पत्ते भी दे रहा हूँ, और उस पत्ते के लिए मैंने एक पेड़ से एक पत्ता ले लिया था, और इसका जो शेप है उसी तरह मैं कर रहा हूँ, पर इसका जो कलर है वो अच्छे से नहीं मतलब हो रहा है मतलब पत्ते का। तो वैसे ही मैंने तीन पत्ते दिए हैं, कलर रह गया था बहुत ज़्यादा इसीलिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, और भी अगर नई नई चीज़ों से आप लोग ड्राइंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बाय।